एनटीपीसी का स्टॉक जिस तेजी से बढ़ा है, खास बात यह भी कि पिछले 10 मिनटों में यहां पर 23 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो पूरे दिन के कुल ट्रेड का करीब 1/3 है, हम कह सकते हैं। तो यहां पर बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है फिलहाल एनटीपीसी में। किरण, चार्ट्स क्या कहते हैं आपके? चार्ट्स के में 145 एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं राह देखूंगा 145 के ऊपर क्लोज होने की, क्योंकि अभी करीबन 144.50 तक ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक अच्छा शानदार चार्ट पैटर्न आएगा। हमने ये देखा है कि ये स्टॉक करीबन मिड अप्रैल से कंसोलिडेट करता नजर आ रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था 144 ऑन द लोअर हायर साइड एंड 136 ऑन द लोअर साइड। उसके पहले एक बहुत अच्छी रैली आई थी करीबन 120 रुपए से 146 तक। तो ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसका ब्रेकआउट कहलाएगा अगर 145 के ऊपर आज क्लोज मिलता है तो, और इसका टारगेट करीबन 175-176 आता है, जो कि अगले एक 15-20 दिन में आ जाना चाहिए। बायोकॉन एक और स्टॉक अगर आप देखें, पिछले कुछ मिनटों में करीब 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो पूरे दिन का करीब 15% वॉल्यूम कहा जाएगा, और इन 10 मिनटों में इस शेयर में एक उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। बायोकॉन जो नुकसान में से इस वक्त थोड़ी सी बढ़त दिखा रहा है। किरण, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या ट्रेडिंग के लिहाज से कोई मूव बनता हुआ देख रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट है अभी इन लेवल्स पे बाय करना, क्योंकि इसने ये रैली करीबन 460 में चालू हुई थी, करीबन अभी 700 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो इतने बड़े वर्टिकल रैली के बाद अगर अभी बाय करना चाहिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होगा। फिर भी अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है उसको बाय करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 685 का होगा और टारगेट के लिए 720 रुपए लगा सकते हैं।